नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी मध्य प्रदेश के चित्रकार एवं रंगकर्मियों के बारे में। इसमें बात करेंगे साहित्यकार के बारे में। याद रखिए, आपके एमपी स्पेशल से संबंधित जितने भी टॉपिक खत्म होते जा रहे हैं वो सभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डाल देता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन साहित्यकारों के बारे में, प्राचीन साहित्यकारों के बारे में, ठीक है। तो इसमें है आपका महाकवि कालिदास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नौ रत्नों में से एक, उज्जैन निवासी तथा इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। किन्हें? कालिदास जी को। रचनाओं की बात करें कालिदास की, तो कालिदास की सात प्रमुख रचनाएं, दो महाकाव्य, महाकाव्यों में शामिल है रघुवंश और कुमार संभव, तीन नाटक क्रमशः मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमवर्षीयम, ठीक है। इनके तीन नाटक हैं, दो खंड हैं, ऋतु संगार और मेघदूत। मालविकाग्निमित्रम उनकी पहली रचना थी कालिदास जी की। कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव संस्कृत का महाकाव्य, जिसमें शिव पार्वती के विवाह एवं कुमार कार्तिकेयन के जन्म के साथ ही तारकासुर वध की कथा का भी वर्णन है। याद रखिए, कालिदास की सभी रचनाएं आप कंठस्थ याद कर लीजिए, क्योंकि ये हर परीक्षा में एक ना एक बार पूछ लेती हैं। जो इनका अभिज्ञान शकुंतलम है नाटक, इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एवं महर्षि कर्ण की कन्या शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया। इसके अलावा चंडिका दंडक, ज्योति वृद्धावरण, दुर्घट काव्य, नलोदय, नवरत्नमाला, पुरुष वाणविलास, रतनकोश, मकरंद स्तव, राक्षस काव्य, श्रृंगार तिलक, श्रृंगार रस, रसाष्टक, श्रृंगार सार काव्य, सेतुबंध, लक्ष्मी स्तव आदि भी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कालिदास की, ठीक है। फिर है आपके कवि भर्तृहरि, उज्जैनी के राजा थे। इनकी साधना स्थल चुनार उत्तर प्रदेश में है और समाधि स्थल राजस्थान के सरिस्का में, अलवर में। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी नीति दशक शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक इनकी प्रमुख रचनाएं। अन्य ग्रंथों की बात करें तो वाग्विदी, वाक्विदी वित्ती, भागवित्ती, महाकाव्य त्रिपदी, महाभाष्य दीपिका, दीपिका शब्द धातु समीक्षा, मीमांसा सूत्र वित्ती, वेदांत सूत्र वित्ती शामिल है, ठीक है। भावभूति अगले कवि हैं आपके, भावभूति कौन है? भावभूति ये पदमपुर के निवासी थे। इनकी रचनाओं की बात करें तो मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरित भावभूति ने ही लिखी है। संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक है। उनका वास्तविक नाम था श्रीकंठ। कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि रहे हैं। भावभूति को भारतीय मिल्टन कहा जाता है। दार्शनिकों के बीच भावभूति अम्बेक के नाम से प्रसिद्ध हैं। बाणभट्ट कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा उन्हें वत्सवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया गया था। किन्हें? बाणभट्ट को। आगे बात करते हैं हम लोग इनकी रचनाओं की, तो हर्षचरित कादंबरी, मुकुट पट्टडित, चंडी शतक तथा पार्वती परिणय है। हर्षचरित बाणभट्ट के प्रथम रचना है। यह प्रथम हर्षवर्धन की जीवनी है। बाणभट्ट को साहित्य के वनांचल का केसरी कहा जाता है। मध्यकालीन साहित्यकार आचार्य केशवनाथ केशवदास, इनका जन्म हुआ आचार्य केशवदास का 1555 में ओरछा में, एमपी में आता है, ठीक है। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत, एमपी में जो टीकमगढ़ जिला था इसमें, पहले टीकमगढ़ जिले में आता था लेकिन अब आपका निवाड़ी एक नया जिला बन गया तो वहाँ ओरछा आता है, ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है आचार्य केशवदास को। रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, दोनों मुक्तक काव्य हैं। विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंदिका, नक्षिक वर्णन, राम अलंकृत मंजरी, रामचंदिका,
छंदमाला, वीर सिंह देव चरित। ये ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में राजकवि के पद पर और राजगुरु के रूप में प्रतिष्ठित थे। रीतिकाल के प्रवर्तक कहे जाते हैं आचार्य केशवदास। इनकी मृत्यु हुई 1667 में। फिर आते हैं आपके भूषण, कवि भूषण। जन्म इनका 1613 में हुआ। इनकी रचनाएं से भूषण, शिवाजी बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। भूषण का वास्तविक नाम अज्ञात अर्थात अथवा तथा उपनाम उनका जटाशंकर था। भूषण को उनकी उपाधि है जो इन्हें चित्रकूट के राजा रुद्रदेव सोलंकी ने दी थी। ठीक है, शिवावामनी में छत्रपति शिवाजी के शौर का ओजस्वी आख्यान है। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1715 में इनकी मृत्यु हुई। किसकी? भूषण की। फिर आपके कवि पद्माकर, कवि पद्माकर के बारे में हम लोग बात करें तो पद्माकर भट्ट का जन्म 1753 में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, जबकि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इनका जन्म सागर मध्य प्रदेश में माना जाता है। ठीक है, पद्माकर ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें शामिल थे पद्माभरण, जगत विनोद, अली जाह प्रकाश, हिम्मत बहादुर, विरोधावली, प्रताप सिंह विरोधावली, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी। ठीक है, अली जाह प्रकास की रचना ग्वालियर में महाराजा दौलत राव सिंधिया के यहाँ रहकर उनकी प्रशंसा में की थी। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद कर राम रसायन की रचना की। 80 वर्ष की आयु में सन 1833 में कानपुर में गंगा तट पर इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। ठीक है, फिर है आपके आधुनिक, क्या है? आधुनिक साहित्यकार। आधुनिक साहित्यकार में अपना सबसे पहले हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। कौन से? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में आपको याद रखना है कि इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 में बाबई, अब माखन नगर जिला होशंगाबाद के बाबई गांव में हुआ था। प्रभा एवं करमवीर के संपादक भी रहे हैं आपके पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। प्रमुख काव्यों की बात करें तो हिमक्रीटनी, हिम तरंगनी, माता, योगचरण, मरण ज्वार, ध्रुम वलर इनकी प्रमुख काव्य। निबंध संग्रह की बात करें तो साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, पाँव पाँव तथा नाटक में कृष्णार्जुन युद्ध प्रसिद्ध रहे। अन्य रचनाओं की बात करें तो कला का अनुवाद, कहानी व कहावत, सभी कहानियाँ, समय के पाँव ये संस्मरण था, चिंतक की लाचारी भाषण संग्रह था, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता बिलासपुर जेल में लिखी थी इन्होंने। ठीक है, फिर हुए आपके गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म हुआ आपका गजानन माधव मुक्तिबोध का 13 नवंबर 1917 को शिवपुर कला मध्य प्रदेश में हुआ। तार सप्तक के प्रथम प्रतिष्ठित कवि थे गजानन माधव मुक्तिबोध। रचनाओं की बात करें इनके तो चांद का मुँह टेढ़ा कविता संग्रह था, एक साहित्यिक की डायरी निबंध संग्रह, नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारत, इतिहास और संस्कृति, कामायनी, एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूल, चंबल की छाती, काठ का सपना, ब्रह्मा राक्षस, विपात, ये सभी इनकी रचनाएँ थी। मध्यवर्गीय जीवन का मार्मिक चित्रण इनकी कविताओं की मूल विषय वस्तु थी। इनकी मृत्यु हुई 1 सितंबर 1964 को। फिर हैं आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो इनका जन्म 16 अगस्त 1904 में निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हुआ। काव्य संग्रह मुकुल, त्रिधारा, झांसी की रानी इनके काव्य संग्रह हैं। कहानियों की बात करें तो बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्त, बाल कविता, सभा के खेल, विवेचनात्मक, गल्प विहार इनकी बाल कविता हैं। काव्य संग्रह की बात करें तो जलियावाला बाग में बसंत। मुकुल काव्य संग्रह के लिए इन्हें शेक्सरिया पुरस्कार मिला है। इनकी मृत्यु हुई 12 फरवरी 1948 को। किनकी? सुभद्रा कुमारी चौहान साहब की। फिर आते हैं आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन। कौन से? बालकृष्ण शर्मा नवीन।
बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में आप लोगों को बताएं तो इनका जन्म 8 सितंबर 1897 को मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुआ। प्रभाव और प्रताप का संपादन है इन्होंने किया। रचना इनकी उर्मिला महाकाव्य, प्रणार्पण खंड काव्य था। कविता संग्रह में कुमकुम, रश्मि रेखा, आपलक क्वासी, विनोबा स्तवन, हम विस्पाई जन्म के, विप्लव गायन, अनल गायन और मृत्यु हुई इनकी 29 अप्रैल 1960 को। 29 अप्रैल 1960 को इनकी मृत्यु हुई। फिर हैं आपके पंडित हरिशंकर परसाई, इनके जन्म की बात करें तो 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में के जमानी गांव में हुआ था हरिशंकर परसाई जी का जन्म। वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली तथा पहरी के संपादक थी। संपादक भी कौन थे? हरिशंकर परसाई। उपन्यास की बात करें तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज हरिशंकर परसाई जी की उपन्यास। निबंध संग्रह की बात करें, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ये सभी हरिशंकर परसाई के हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये आपके कहानी संग्रह थे, ठीक है, हरिशंकर परसाई जी के। आगे हम लोग बात करते हैं द्रंग निबंध संग्रह, वैष्णव की फिलसन, तिरछी से रेखाएं, ठिठोरता हुआ गणतंत्र, विकलांग सिद्धा का दौर, सामाजिक विसंगतियों के फिहार इनकी कविताओं की मूल विषय वस्तु थी। इनकी मृत्यु हुई 10 अगस्त 1995। फिर आते हैं आपके सरद जोशी जी, मई 1931 को जन्म हुआ इनका उज्जैन में। इनकी रचनाओं की बात करें तो परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, रहा किनारे वेट, दूसरी सतह, पिछले दिनों, यथासंभव, सभी व्यंग निबंध, अंधों का हाथी, एक था गधा नाटक था ये, मैं और केवल मैं उपन्यास है इनका, तिलिस्म एक कहानी संग्रह है। इनकी मृत्यु हुई सितंबर 1991 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग मुल्ला रमुजी, इनके जन्म की बात करें हम लोग मुल्ला रमुजी के, तो 21 मई 1896 को भोपाल में हुआ। गुलाबी उर्दू शैली के जन्मदाता हैं आपके मुल्ला रमुजी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इंती खाबे गुलाबी उर्दू, मजमुआ गुलाबी उर्दू, मकालात गुलाबी उर्दू, ख्वातीन अंगूरा, शादी, औरत जात, लाठी और भैंस, दीवाने मुल्ला रमुजी, सिफा खाना, जिंदगी, गुलाबी उर्दू, गुलाबी शायरी। इनका सन 1952 में निर्धन हो गया, ठीक है, कब हो गया? सन 1952 में इनका निधन हो गया। फिर आए आपके भवानी प्रसाद मिश्र, 23 मार्च 1914 को होशंगाबाद टिगरिया गांव में इनका जन्म हुआ। रचनाओं की बात करें तो गीत फरोश, चकित हैं दुख, अंधेरी कविताएं, गाजी, पंचसप्ती, बुनी हुई रस्सी, दूसरा सप्तदशक, सप्तक, पांव एवं पंख, कमल के फूल, पहेली, खुशबू के शिलालेख, तूस की आग, इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी मृत्यु हुई 1985 में। फिर आपके आते हैं डॉक्टर शिव मंगल सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के ग्राम झगरपुर में 14 अगस्त 1915 को हुआ। डॉक्टर सुमन ने अपना अध्यापकीय जीवन वर्ष 1942 में विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में शुरू किया। काव्य संग्रह की बात करें तो डॉक्टर सुमन की सृजन यात्रा इस प्रकार है कि हिल्लोल, जीवन के गान, पहला सीजन, विश्वास बढ़ता गया, पर आंख नहीं भरी, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, बाड़ी की व्यथा, कटे अंगूठे, सीबंदन वार्य, इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनकी मृत्यु हुई सन 2002 में, ठीक है। फिर हैं आपके आचार्य, कौन है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इनका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के ग्राम मगरापुर में 4 सितंबर 1906 को हुआ। वाजपेयी जी
की पहली रचना है जयशंकर प्रसाद। इनके अन्य रचनाओं की बात करें तो 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य, अन्य निबंध, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य, सृजन और समीक्षा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य की समीक्षा की। आगे बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकारों के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार संत सिंगाजी, इनका जन्म हुआ था तत्कालीन बड़वानी स्टेट के ग्राम खजूरी में संवत 1574 में। इनकी रचनाओं की बात करें तो कबीर दास जी के समकालीन संत सिंगाजी कबीर की भांति साखियां गाते थे। नेवाड़ी बोली में सात वाद, बारह मासी, पंद्रह तिथि, दोषबोध, शरद आदि रचनाएं, अनहन का नाद पुस्तक में उनकी 800 रचनाएं संकलित हैं। उनका एकमात्र प्रमाणित ग्रंथ परचरी है जिसे उनके शिष्य खेमदास ने संकलित किया था। फिर आपके जगनिक कलिंजर नरेश परमाल देव के दरबारी कवि जगनिक ने ना सिर्फ कवि थे बल्कि योद्धा भी थे। ठीक है, कवि और योद्धा दोनों थे ये लोग जगनिक। रचनाएं हैं इनकी परमाल रासो और आलाखंड। आलाखंड विश्व का सबसे लंबी लोक गाथा है। आलाखंड का संबंध महोबा राजवंश से था। पूछ लेता है आलाखंड का कौन है लेखक, जगनिक। ठीक है, ईसुरी, जन्म हुआ इनका संबत 1898 में मेडिकी गांव मऊरानीपुर के निकट झांसी जिला उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड के जयदेव के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी सबसे बड़ी देन है फाग का आविष्कार। रचनाओं की बात करें तो ईश्वरी की फागें ईश्वरी विकास गौरीशंकर द्विवेदी द्वारा, ईश्वरी सतसई लोकेंद्र सिंह नांगराज द्वारा, प्रेमिका रजऊ। फिर आते हैं आपके घाग। इनका जन्म संबत 1753 के लगभग कन्नौज या निकट के गांव में हुआ था। घाग ने कृषि को सर्वोत्तम व्यापार घोषित किया। इन्हें कृषि पंडित भी कहते हैं। पूछ लेता है कृषि पंडित किसे कहते हैं, घाग को। प्रकाशित ग्रंथ की बात करें घाग और भंडारी राम नरेश त्रिपाठी द्वारा। आचार्य रामचंद्र ने घाग को कवि ना कहकर सूक्तिकार कहा। इनकी सूक्तियाँ किसानों के लिए कृषि मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। अब आपकी अन्य साहित्यकार हैं और उनकी रचनाएं तो दंडी इनकी दस कुमार चरित है, भारवी किरातुर्जनियम विहार विहारी सत्सई, बाबू कृष्णानंद गुप्ता ईश्वरी की फागें, पंडित गौरीशंकर द्विवेदी ईश्वरी विकास, लोकेंद्र सिंह नागर ईश्वरी सत्सई, ब्रजेश रससाग निडय, संत स्वरूप दास रस रत्नागर, रेवाराम बापू रतनपुर का इतिहास, द्वारिका प्रसाद मिश्र कृष्णायन, पंडित रामदयाल तिवारी गांधी मीमांसा, हरिबाऊ अध्याद ये बापू के अंजाम में, स्वामी सत्य भक्त कुरान की झांकी, राय बहादुर हीरालाल ये मध्य प्रदेश का इतिहास। फिर है आपका जहूर बक्स चंदहार, क्या है चंदहार 500 महिलाओं की जीवनी। ठीक है, तो ये थे आपके साहित्यकार मध्य प्रदेश के जो भी साहित्यकार थे प्रमुख उनके बारे में बात की। आगे हम लोग बात करेंगे संगीतकारों के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में संगीतकारों को देखेंगे हम लोग।